नमस्कार दर्शकों प्राइम में आपका स्वागत है मैं हूं विनोद कुमार दर्शकों आज प्रचार का आखिरी दिन था और भारत जनता पार्टी ने झंडा गाड़ा भी तो बीज बिहारा में हमने इस बाबत बातचीत की विमोद गुप्ता से आइए देखते हैं उनका क्या कहना है दर्शकों जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज प्रचार का आखिरी दिन था प्रचार यानी डीडीसी चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था आखिरी मतदान आठवें चरण का मतदान 19 को होना है 22 को मतगणना होनी है लेकिन आखिरी प्रचार के दौरान जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद के परिवार का गढ़ माना जाता है बीज बिहाड़ा जिसमें लगातार पीडीपी ही जीतती जाती वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैली थी जिसमें शाहनवाज और विबोध गुप्ता जो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद है वहाँ पर तिरंगे फहराए गए क्योंकि मैं वुबा गुफ्ती बार बार ये कहती है कि तिरंगे नहीं फहराने तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा लेकिन आज वहाँ पर उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली और इस हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विबोध गुप्ता जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के विमोद जी आपका स्वागत है जी आज की को आप किस तरीके से देखते हैं वहां पे आपको डराने का भी प्रयास किया गया देखिए विनोद जी आज भारतीय जनता पार्टी की ये आखिरी और फाइनल रैली थी इन चुनावों में माननीय शाह नवाज हुसैन जी ने इस रैली को एड्रेस करना था और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहां पर खचा खच एक सभा बरी हुई थी हजारों की तादाद में लोग वहां पर खड़े बैठे हुए थे और दस किलोमीटर के एरिए के अंदर तरंगे फहरा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हर जगह नजर आ रहा था और बीज बिहाड़ा जैसा आपने कहा ये ऐसी जगह है जो मुफ्ती परिवार का गढ़ माना जाती है और महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि 370 अगर हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा बीज बिहाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की भारी सभा उस सभा को शाहनवाज हुसैन और हम सब ने संबोधन किया और रैली एड्रेस करने से पहले वहाँ पर हमने तिरंगा झंडा जो है वो फहराया रैली के स्थान के ऊपर तिरंगे झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो फहरा रहे लहरा रहे थे और लोग खुशी से नाच रहे थे झूम रहे थे ये सब ने देखा देश ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा ये डेमोक्रेसी की जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन कश्मीर और मिशन कश्मीर उसकी जीत है ये कश्मीर के लोगों की जीत है ये कश्मीर के लोग उन्होंने देश दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान आई एस आई और गुपकारी को एक बड़ा मैसेज बीच बिहार से दिया कि हमें शांति चाहिए हमें भाईचारा चाहिए हमें डेवलपमेंट चाहिए हमें टेररिज्म नहीं टूरिस्ट चाहिए ये सारा एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया आप हैरान होंगे नाच नाच कर बीज बिहाड़ा के अंदर कश्मीर के लोग तिरंगा हमारी आन बान और शान है के नारे लगे भारत माता की जय के नारों से बीज बिहाड़ा गूंज उठा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद के नारे लगे ये ऐतिहासिक रैली थी ये कश्मीर के बदलाव की रैली थी ये मैं कहना चाहू जी जी, जी खलन डालने का भी प्रयास किया गया देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पीस मिशन कश्मीर को लेकर है उसको कोई खलन नहीं डाल सकता आतंकवाद चर अपने आखिरी सांस पे है पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है वो एक फुल जड़ी एक पटाखा उन्होंने चलाया तिरंगे की शान में वो बीच बिहारा के अंदर जो तिरंगे फहराए गए उसकी शान में उन लोगों ने एक पटाखा चलाया हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये डरा नहीं सकते ये धमका नहीं सकते ये रुका नहीं सकते तिरंगे की शान को ये खराब नहीं कर सकते कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पच्चीस से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के पीस प्रोसेस को लेकर तो ये छोटी सी फुलचड़ी जो है छोटा सा पटाखा भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इस मिशन को कहाँ रोक सकता है आप देखिए जिस ढंग से कश्मीर ने वोट किया और आखिरी फेज में भी वो वोट होने वाले हैं तीस परसेंट चालीस परसेंट पचास परसेंट साठ परसेंट तक भी वोटिंग जो है कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कुछ डीडीसी के सेगमेंट के अंदर हुई है ये बड़ा मैसिव संदेश है कि आतंकवाद और अलगाववाद के सा से बाहर निकलकर पत्थरबाजी के साये से बाहर निकलकर कश्मीर के लोगों ने 1989 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वोटिंग की है तो बुखलाट तो पाकिस्तान को भी होगी बुखलाट आईएसआई को भी होगी बुखलाट गुपकारियंस को भी होगी मेरा यह मानना है कि वो लोग जिन लोगों ने यह बोला था कि 370 और पैंतीस से हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा उनके इशारे के ऊपर यह पटाखा चलाया गया है मेरा तो इतना ही मानना है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सेना कश्मीर की मोदी सेना अब रुकने वाली नहीं है कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा दूर पहाड़ के ऊपर बॉर्डर के ऊपर गांव के ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा डीडीसी के चुनावों में लहराया गया है ये अपने आप में बड़ी बात है अपने आप में एक ऐतिहासिक विभोज जी आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अचीवमेंट है उपलब्धि है कि इस वक्त लोग कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे हैं मात्र सवा साल हुआ है तीन सौ से हटे हुए देखिए कश्मीर के लोग हमेशा नेशनलिस्ट रहे हैं कश्मीर के लोग हमेशा शांति प्रिय रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के दबाव में रहे हैं आतंकवादियों के दबाव में रहे हैं हुरियत के दबाव में रहे हैं पाकिस्तान के दबाव में रहे हैं इन पीडीपी पी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के दबाव में रहे हैं आप देखिए है कैसे अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि कश्मीर का युवा नए सिरे से बंदूक उठाएगा कितनी उन्होंने एक एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वो कश्मीर को दोबारा से बंदूक के अंदर ले जाना चाहते हैं इन लोगों के कारण कश्मीर के लोग जो थे वो इस समय चुप थे लेकिन अब जब एक अच्छा माहौल मिला तीन सौ सत्तर और पैंतीस हटा आतंकवाद खत्म हुआ, हुआ पत्थरबाजी खत्म हुई कश्मीर के लोग खुल के बाहर आ गए कश्मीर जो कश्मीर है कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है कश्मीर बादाम के लिए जाना जाता है कश्मीर सेब के लिए जाना जाता है कश्मीर पहलगाम गुलमर्ग डल लेक के नाम से जाना जाता है कश्मीर का बैट क्रिकेट बैट दुनिया के अंदर सप्लाई होता है और इन लोगों ने इन लोगों ने कश्मीर को पत्थरबाजी का गढ़ बना दिया इन लोगों ने कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना दिया इन लोगों ने कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना दिया कश्मीर आज चाहता है कि उसका सेब दोबारा से दुनिया के अंदर जाए दोबारा से दुनिया का टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आए कश्मीर का युवा जो है वो मौत चाहता है कश्मीर के लाल चौक के लोग बिजनेस हब चाहते हैं डाउन टाउन के नाम के ऊपर लाल चौक को पत्थरबाजी के नाम से मशहूर किया गया जबकि आज कश्मीर का लाल चौक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब होना चाहिए था कश्मीर उस तरफ अब देख रहा है कश्मीर की आंखें मोदी जी के ऊपर हैं माननीय मोदी जी के ऊपर है माननीय अमित शाह जी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे तरीके से कश्मीर की चिंता कर रहे हैं मेरा ये मानना है कि आने वाले दिन कश्मीर के लिए बड़े सुनहरे दिन होंगे कश्मीर की डेमोक्रेसी की जीत है कश्मीर के अंदर इस बार खुलकर वोटिंग करना कश्मीर के लोगों का एक बड़ा संदेश इन गुपकारियंस को पाकिस्तान को और सारी दुनिया को इन्होंने दिया है इसलिए विनोद जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी माननीय अमित शाह जी माननीय जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के एक एक कार्यकर्ता की जीत है दि कार्यकर्ता का अंगारों के ऊपर नंगे पांव चलता है जान हथेली पे लेके चला है कश्मीर के अंदर 25 से 30 के करीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है लेकिन डरे नहीं है डगमगाए नहीं है उसी कारण आज इन डीडीसी के चुनावों में कश्मीर का कमल हर जगह खिला है हर जगह कश्मीर में कमल का झंडा गया भी, बिल्कुल विभोज जी हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने एक नेशनल डेली को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कश्मीर की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है क्या कहेंगे आप देखिए पहली बात तो ये है कि महबूबा मुफ्ती जी पहले ये बताएं जब वह चीफ मिनिस्टर थी और उस समय यहाँ पर अलग से कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी के लिए बात उन्होंने फ़ाइनल की थी या एक्स सर्विस के लिए कॉलोनीज़ बनाने की बात हुई थी क्या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि आ, आर्मी के कैंप में कश्मीर के नौजवान पत्थरवा टाफी लेने जाते हैं दूध लेने जाते हैं महबूबा मुफ्ती जी की स्टेटमेंट जब वो पावर में होती हैं कुछ होती है जब पावर से उतरती हैं उनका चेहरा कुछ और होता है कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होने वाली है लेकिन कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के निवासी हैं कश्मीरियत किस चीज़ का नाम था कश्मीरियत जिसके अंदर यहाँ मस्जिदों के अंदर अजहान होती थी मंदिरों में पूजा होती गुरुद्वारों में अरदास होती थी आज अगर देश सिरे से वो कश्मीर बनेगा अब कश्मीरी किश, पंडित अगर वापस आते हैं अपने घरों में आते हैं अपने बागों में जाते हैं तो महबूबा मुफ्ती जी को तकलीफ़ किस बात की है इसमें डेमोग्राफी कौन सी चेंज होने वाली है डेमोग्राफी तो कश्मीर की लीडरशिप ने की कश्मीर के इन मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने की 1990 के अंदर जिस ढंग से कश्मीर से अंदर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया यहाँ कश्मीरी पंडितों की बेटियों के साथ माताओं के साथ बहनों के साथ बहरूमती जिस ढंग से हुई यहाँ घर जिस ढंग से चलाए गए यहाँ लाउड स्पीकर के अंदर कुछ मिसक्रियां ने जिस ढंग से कहा कि आप कश्मीर छोड़ दो ये तो उनको शर्म होनी चाहिए कि इतना बड़ी बात हो गई कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर कश्मीरी पंडितों से विहीन हो गया और एक एफआईआर इन लोगों ने नहीं लगाई एक मुकदमा नहीं चला किसी तो को सजा नहीं हुई कोई कमीशन मुकर नहीं हुआ उल्टा जमीनों में ने कब्जे कर लिए मकानों में ने कर लिए, कुछ ने मंदिर तोड़ दिए यह तो उनको सोचना चाहिए डेमोग्राफी तो इन लोगों ने चेंज की यहाँ की पाकिस्तान और आई एस आई के इशारे के ऊपर इसलिए विमोचित सवाल अब यह उठता है कि चलिए कश्मीरियों को भगाया गया लेकिन अब आप आपके पास क्या मशूदा है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों को वापस घाटी पहुंचाया जाए देखिए आप देखिए जब माहौल खुल रहा है नए सिरे से अब पोलिंग हो रही है यहाँ बाजार खुल रहे हैं यहाँ बंद बाज़ार बंद का कोई चार्ट जो है वो डिक्लेयर हरियत नहीं कर रही है तो एक अच्छा कॉडियल माहौल बन रहा है यहाँ का मुस्लिम समाज भी चाहता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस आए कश्मीर के ऊपर जो एक ब्लैक स्पॉट जो है पूरी दुनिया के अंदर लगा हुआ है यहाँ का कश्मीरी मुसलमान उसको धोना चाहता है कुछ लोगों के कारण वो जो चीज़ हुई थी वो हुई थी बाकी प्लान किया जा रहा है आ, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी वो सारा इसको मोनिटर कर रहे हैं कश्मीर के अंदर से नई हवाएं चलेंगी नया माहौल बनेगा उस नए माहौल के अंदर कश्मीरियत नए सिरे से अपने आप को जिंदा करेगी विमोद जी आज भी गुप्कार अलाइंस को इस बात का पूरा भरोसा है कि 370 और 35 से कोई इमोशनल कार्ड खेल करके मिसलीड किया जा सकता है कश्मीरी आवाम को क्या ये कार्ड चल पा रहा है देखिए जब पंचायती चुनाव हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनावों का बाईकाट किया और कहा और कहा कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी अमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि लानत होगी हम लोगों पर अगर 370 लिए बिना हम चुनाव में उतरे महबूबा जी।, जी ने कहा कि जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा हम तिरंगा नहीं उठाएंगे उस समय उन्होंने बाइकाट किया और आज ना 370 वापस आया ना पैंतीस ए वापस आया आज ये इन्होंने गुपकार बनाकर ये चुनावों में उतर गए कश्मीर इसको समझ रहा है आज आज कश्मीर इस बात को समझ रहा है कि कितने पावर लस्ट हैं ये लोग आज रोशनी स्कैम में फंस गए और उनको लगा कि पावर वापस लेनी है हम मारे जाएंगे और वो चुनावों में उतर गए इसलिए वो कार्ड अगर वो कार्ड काम करता आज बम्पर पोलिंग ना होती आज कश्मीर के लोग खुलकर पोलिंग स्टेशन पे खड़े नहीं होते विनोद जी आपने भी देखा और आपने बताया भी कि सुबह सात बजे कश्मीर में हमारी बुजुर्ग माताएं हमारी बहनें सात बजे इतनी ठंडी में सो सौ की लाइन लगाकर खड़ी हैं सात बजे और वो पोलिंग कर रही हैं तीन सौ सत्तर और पैंतीस से टूटने के हक में पोलिंग हुई है इस बात को कश्मीर ने इन लोगों को एक अपना संदेश दे दिया आपने कहा कि तीन सो सत्तर और पैंतीस को हटाने के फेवर में पोलिंग हुई है तो अगर नतीजे इसके विपरीत जाते हैं इसको रेफरेंडम माना जाएगा फिर देखिए मैंने ये नहीं मैं, कहा मैंने नतीजों की बात नहीं की मैंने ये, ये बात कही कि लोग खुलकर वोटिंग करने आए लोगों ने डेमोक्रेसी की जीत की यहाँ पर आ, आज डेमोक्रेसी जीती है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ग्रास रूट लेवल पर पावर देना चाहते थे उसकी जीत हुई है यहाँ पर उन्होंने सरपंचों पंच, के पंचों के बीडीसी के डीडीसी के चुनाव करवा दिए आम आदमी तक जो है उन्होंने पावर दे दी कुछ लोगों के पास पावर थी एक परिवार का ही एम बनता था फिर उसका बेटा बनता था उसका पोता बनता था आज आम लोगों के अंदर पावर चली गई है यहाँ पर के लोग जो हैं उन्होंने इस डेवलपमेंट के हक हाँ में वोटिंग की है वो चाहते हैं यार डेवलपमेंट हो उस हक हाँ में वो खुलकर उन लोगों ने वोटिंग की है जीत हार किसकी होगी उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हाँ हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बैठा कमल का फूल के झंडे वहाँ पर फहराए गए जितनी रैलीस पब्लिक गैदरिंग भारतीय जनता पार्टी के जलसों में हुई उतनी तो किसी में नहीं हुई यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है और यही डेमोक्रेसी की जीत है विमोद जी आपने रोशनी का जिक्र किया और कहा कि रोशनी स्कैम में ये फंसने लगे लोग रिव्यू पिटिशन दायर कर दी क्या आपको डर लग रहा था कि भाजपा के कुछ लोग रोशनी की आ, आ, स्कैम में आ जाएंगे विनोद जी देखें अगर विबोध गुप्ता भी रोशनी स्कैम में आता है तो कानून उसे कभी माफ नहीं करेगा रोशनी स्कीम गरीब लोगों के लिए बनी थी गरीब दिस लोगों दिस के घर रोशन करने के लिए बनी थी फारूक अब्दुल्ला की कोठी को रोशन करने के लिए नहीं बनी थी उनकी बहन को रोशन करने के लिए नहीं बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों दफ्तर रोशन करने के लिए रोशनी स्कीम नहीं बनी थी अब उसमें जो जेनउन केसेस हैं ये तो हम भी चाहते हैं कि अगर कोई किसान कोई मजदूर कोई गरीब जिसके पास दस मरले जगह एक कनाल जगह पिछले पचास साल से है पिछले चालीस साल से है और जनरली वो रोशनी के उन जो उसका जो बायलाज बने जो रूल्स बने उनमें फाल करता है उनको इनके साथ ना मारा जाए उनको इनके साथ ना मारा जाए उनको उनका इंसाफ मिले लेकिन रोशनी की आड़ के में अगर विबोध गुप्ता ने भी जब रोशनी आई और उसके बाद दस कनाल रकबा जो है वो मैंने ले लिया और तीस साल पुराने पटवारी से मैंने उसकी एंट्री करवा दी तो कार्रवाई विबोध गुप्ता के खिलाफ खिलाफ होनी चाहिए इसलिए यह रिव्यू हुई है कि वो लोग जो असल में हकदार हैं उनके साथ बे ना हो जी विबोध जी आखिरी सवाल आपसे कश्मीर में आप 370 सौ सत्तर और पैंतीस का जिक्र नहीं करते वहां आप कहते हैं कि चुनाव विकास को लेकर के हो जम्मू में ये कार्ड खेलते हैं ये क्या वजह है नहीं हम यहां भी कह रहे हैं आप हमारी चुनाव की रैलियां देखिए हम तो यहाँ भी कह रहे हैं कि 370 और पैंतीस ए के कारण आज यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई आज कोविड के दौरान कि चाहे कश्मीर का पेशेंट कोविड पेशेंट हो चाहे जम्मू का कोविड पेशेंट हो उनको तो पंजाब के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा उनको तो दिल्ली के हॉस्पिटल में जाना पड़ा अगर पैंतीस ए अगर पैंतीस ए ना होता तो यहाँ भी मैक्स होता यहाँ भी अपोलो होता यहाँ भी और मेडिसिटीज़ यहाँ पर होती यहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती अब अब देखिए कश्मीर का नौजवान हमारा जो बच्चा है ग्रेजुएशन करने के बाद आफ्टर ट्वेल्थ वो इंजीनियरिंग करने कहाँ जा रहा है चितकौरा यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में अलीगढ़ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा है यहाँ जम्मू और कश्मीर में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है तीन पैंतीस के चलते यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी क्या कारण है कि भाई अमृतसर में मैक्स हो सकता है तो जम्मू में कश्मीर श्रीनगर में नहीं हो सकता है क्या कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर क्या कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी हो सकती है तो यहां पर यूनिवर्सिटीज नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं हो सकती ये पैंतीस ए का कारण नुकसान हुआ और तीन सौ सत्तर के कारण सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि डेमोक्रेसी निचले लेवल तक इन्होंने नहीं आने दी दो परिवारों ने रूल किया या हम ये कह सकते हैं इन दो परिवारों के साथ कश्मीर के पचास साठ परिवारों ने रूल किया उसके अलावा क्या हुआ आज पांचों सरपंचों सर के चुनाव हमने करवाए बीडीसी के चुनाव हुए डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं इसके बाद एमएलए के चुनाव होंगे तो ये 370 हटने के बाद हुआ ना जी तीन हटने के बाद यहां वो सारे कानून जो लोगों के फेवर में थे इन लोगों ने लागू नहीं किए थे वो सारे के सारे अब लागू हुए हैं मैं पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब से वो तीन की गुहार लगाते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर पोटा कानून आया आया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट सबसे पहले विनोद जी जम्मू कश्मीर स्टेट थी और यहां के चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला थे जिन्होंने पोटा कानून को असेंबली में पास किया जी। अब जरा उनसे पूछिए वेलफेयर की स्कीमों को वो यहां पास करने के लिए तैयार नहीं है कि 370 कमजोर हो जाएगा लेकिन पोटा उन्होंने असेंबली में पास कर दिया क्योंकि पोटा लगाकर उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाना था जी, ये लोग जी, इतने ही अगर संजीदा थे कश्मीर को लेकर और इनका बड़ा नारा रहा अटानमी का अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला वहां मिनिस्टर थे और यहाँ टू थर्ड मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने असेंबली में अटानमी का बिल पास करके दिल्ली अटल जी की गवर्नमेंट के पास भेज दिया और अटल जी ने उसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया अमर अब्दुल्ला जी ने रिजाइन दिया नहीं दिया इनको कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है इनको कश्मीर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है इनको कश्मीर की डेवलपमेंट से टूरिज्म से कुछ लेना देना, देना नहीं है कश्मीर के बैट से कश्मीर के सैफरान से कश्मीर के सेब से इनको कुछ लेना देना, देना नहीं है कश्मीर की खूबसूरती को बिगाड़ने बिगाड़ कर पावर में रहना ही इनका एक एजेंडा था मात्र एजेंडा था ये कश्मीर के लोग समझ चुके हैं इसलिए खुलकर उन्होंने इस बार बंपर वोटिंग की बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद दर्शकों अब हम बात करेंगे चुनावों को लेकर के और चैंबर चुनावों को लेकर के राकेश गुप्ता का कहना है कि कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है पिछले साल डेढ़ साल से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ना सिर्फ मेरी इमेज टार्निश करने की बट जो अपेक्स बॉडी है ट्रेड और इंडस्ट्री की चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी खासकर फाइनेंसिस को लेकर कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चैंबर को लूट रहे हैं खा गए हैं तो आज हमने पूरी क्लैरिटी दी है कि हमें माइनस चालीस लाख माइनस तीस लाख में चैम्बर मिला जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ और आज जब हम नई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कार्यकाल समाप्त होने पे पाँच करोड़ से ज़्यादा प्लस में हम चैम्बर दे के जा रहे हैं और सारे फाइनेंशियल फिगर्स हमने बैंक्स के नाम और ब्रांचेस दी हैं कोई भी पब्लिक में उससे चेक कर सकता है ख़ासकर हमारे मेंबर्स और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जे क्लब जो प्रपोज था उसकी जितनी भी राशि थी जी देने के बाद दो करोड़ इकतालीस लाख रुपया वो भी जम्मू कश्मीर बैंक बहु प्लाजा में पड़ा हुआ है वो उनकी अमानत है वो उसका पैसा डूबा नहीं है और मैं अपने मैनिफेस्टो पे कायम हूँ और मुझे अगर महा भगवती के आशीर्वाद से और मेंबर्स के साथ से दोबारा मौका मिला तो ये उनका हसीन सबना जो चैंबर ऑफ मेंबर चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का क्लब का क्लब उसको पूर्ण करो इस बाबत की जो प्रेसिडेंट है के आइए देखते हैं उनका क्या कहना है प्रेसिडेंटर तो दर्शको अब हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वाई बी शर्मा जो फॉर्मर चैंबर प्रेसिडेंट है और हाल ही में उन्होंने पार्टी कांग्रेस को भी छोड़ दिया है शर्मा साहब आपका स्वागत है लेकिन आज जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं राकेश गुप्ता उन्होंने आप पर इल्जाम लगाए हैं कि आपने कहा है कि चैंबर में लूट खसूट जारी है और उन्होंने बैंक डिटेल्स भी दी हैं कि किस तरीके से उन्होंने चैंबर के पैसे को बचाया है क्या कहेंगे आप मेरे को क्वेश्चन बड़ा क्लियर नहीं सुनाई दिया है लेकिन जो मैं क्वेश्चन से समझ सका हूं जी. कि हमने कोई आ, जो आ, हमारे प्रेसिडेंट आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कोई लूट खसूट वाली बात उन्होंने कोई अल्ज़ाम लगाया है आ, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया हो क्योंकि ये बातें तो डिटेल्स हैं जो कि जब कोई चैम्बर की बैलेंस शीट आएगी जबकि अकाउंट्स आएंगे तो वो हम आ, वो अकाउंट्स देख के कोई इसके मुतलक बातचीत कर सकते हैं जो प्रेजेंट स्टेटस है वो हमने कोई इस तरह की बात नहीं की जी शर्मा ये भी कहा है उन्होंने कि जो चार सौ इकसठ बंदों का उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा उसके पीछे भी आप ही का हाथ है मुझे इस चीज का सख्त अफसोस है कि इस तरह की बात कही जा रही है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चार सौ इकसठ लोग हैं पहले तो मेरे को ये नंबर ही कोई मेरे को नहीं मालूम था बट दे आर दी ऑनरेबल द बिजनेस कम्युनिटी और okay. उनके प्रति हमारे मन में पूरी इज्जत मान और हम चाहते हैं कि वो चैम्बर के सदस्य okay. बने एंड okay. अब से वेलकम टू दैम लेकिन जिन हालात में उनकी बात कही जा रही है उसमें किस ढंग से हमारी जो भी अदालत में बातचीत हुई ऑनरेबल मेंबर्स के प्रति हमारी कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई किसी तरीके से भी हमारी पटिशन में सवाल नहीं था वो सिर्फ यही था कि जिस ढंग से चैम्बर की जो मौजूदा टर्म चल रही थी उसको उन्होंने एक मीटिंग करके उस अपनी टर्म को दो साल बढ़ाने के लिए एक वहाँ पे अपनी वो अमेंडमेंट की या अपनी बात को वहाँ रखा और उनका कहना था कि हमने वो दो साल का एक्सटेंशन ले लिया है उसी बात को लेके हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे उन सब ने आपस में मिलकर इस बात को चाहते थे कि रिजॉल्व हो जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रसिडियम की व्यवस्था होती है कि किसी भी मेंबर को अगर कोई ऐसी बात या उसको कोई इस तरीके की कोई ग्रीवेंस हो चैम्बर की फंक्शनिंग में तो हम लोग उस प्रसिडियम के पास जा सकते हैं लेकिन इन्होंने कोई प्रसीडियम ही नहीं बनाया था ये बात हमने कोर्ट में भी कही कि जो भी जिस तरीके से चैम्बर्स के अफेयर को रन किया गया वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक था और वही एक इशू था जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट में गए और हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही था कि चैम्बर की वर्किंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इन्होंने जो अपना टर्म एक्सटेंड किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जबकि हमारे संविधान में टर्म को एक्सटेंड करने का कोई प्रावधान ही नहीं है और इसलिए हम चाहते थे कि चैम्बर का जो इलेक्शन है विच इज अ डेमोक्रेटिक विच अ डेमोक्रेटिक इन इट्स ऑपरेशन वो इलेक्शन चा, uh, होना चाहिए जो भी कोई प्रेसिडेंट uh, uh, बनते हैं ही इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बट ऐसी बात नहीं हुई तो हमको तो कोर्ट में जा जाना पड़ा और जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसी वर्डिक्ट के अनुसार एक रिसीवर अपॉइंट हुए और वो रिसीवर साहब इस वक्त इलेक्शन करवा रहे हैं तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार